हेलो दोस्तों, आज हम सेमीकंडक्टर मेमोरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का और हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का। ऐसा इसलिए क्योंकि डेटा डेटा मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज किया जाता है। तो इन्हें समझने के लिए आपको अपने फ़ोन का एग्जांपल लेना पड़ेगा। आपके फ़ोन, जब आपने फ़ोन ख़रीदा था, ये जो फ़ोन आप अपग्रेड कर रहे हो उसके अंदर दो चीज़ों पे आपने फोकस किया होगा। पहला है रैम, दूसरा क्या है रोम। तो जो रैम होता है उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म देख लेते हैं, रीड ओनली मेमोरी। मैं आपको इन्हीं दो चीज़ों के बारे में आज बताने जा रहा हूँ और हमारे पूरे चैप्टर में यही दो चीज़ें, एक रैम है, दूसरा रोम है। ओके तो जो अगर कंप्यूटर का एग्जांपल लूँगा मैं, बेसिकली आप अपने फ़ोन का भी एग्जांपल ले सकते हो क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो मैं कंप्यूटर के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। कंप्यूटर अपने दिमाग में इमेज करके चलेगा तो उससे समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ओके तो जो हमारे पास रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप इसके नाम से समझ सकते हो कि किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है। आपको जरूरत पड़ती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट करना चाह रहे हो तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, रैम की। ओके और जो रीड ओनली मेमोरी यानी जो रोम है वो डेटा को स्टोर करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका काम होता है, इस रैम का काम होता है, रैम का काम होता है डेटा को एक्सेस करना, यानी जो हमारे पास डेटा है उसे एक्सेस करना, उसे ऑपरेट करना, उसे चलाना। और जो रोम है वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है। ओके अब मैं इनके मतलब बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ जो लिखे पड़े कुछ चीज़ें जिनका मतलब हमें जानना चाहिए, जरूरी है। प्राइमरी मेमोरी, रैम को प्राइमरी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा पहला कॉन्सेप्ट में आता है एक्सेस करना, यानी किसी चीज़ को एक्सेस करना, किसी चीज़ को चलाना। एक्सेस का मतलब क्या है, उस चीज़ को उस ऑपरेट करना, चलाना। तो पहला स्टेप यही आता है कि आप किसी चीज़ को ऑन करो, उसके बाद उसमें डेटा स्टोर करोगे। तो जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है रैम। रैम इसलिए इसके अंदर आता है क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारा जो एप्लीकेशन है यानी जो प्रोग्रामिंग उसे एक्सेस करता है, क्या करता है, एक्सेस करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। और इसे कहते हैं वॉलेटिक्स मेमोरी भी कहते हैं। वॉल्टिक्स का मतलब क्या होता है, वॉल्टिक्स का मतलब होता है कि ये डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है। मतलब ये नहीं कि नहीं करता है, करता है, लेकिन डेटा को स्टोर मतलब ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं करता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर, आप उस कंप्यूटर पे कोई भी वर्क कर रहे हो, जैसे आप एक नोट लिख रहे हो या आप एक्सेल यूज कर रहे हो, एक्सेल में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। और बाय चांस किसी कारण एक्सीडेंटली वो आपने इलेक्ट्रिसिटी या सप्लाई कट ऑफ हो गया कंप्यूटर में, तो जब आप कंप्यूटर को नेक्स्ट टाइम ऑन कीजिएगा ना तो वो डेटा इरेज हो जाएगा क्योंकि रैम के अंदर कोई डेटा स्टोर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। ज़्यादा देर तक मतलब का ये है कि अगर बाय चांस इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हुआ तो आपका डेटा इरेज हो जाएगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, समझ आए यहाँ तक। मतलब जो हमारा रैम है उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी। और उसके बाद आता था सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है रोम। रोम इसे अगर आप कंप्यूटर में देखा जाए तो रोम को हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क एक मतलब उसमें डिस्क होता है इसलिए उसे हार्ड डिस्क कहते हैं रोम। और आप अगर हम फोन में भी देखें ना तो फोन में भी कहते हैं भाई 64 GB वाली रोम वाला फोन दे दो। इंटरनल भी कहते हैं इसे, जो रोम है ना उसे इंटरनल कहता है। अगर फोन में देखा जाना तो पूछा जाता है भाई कितनी इंटरनल है तेरी, ठीक है। तो इंटरनल को रोम ही कहते हैं, रोम रीड ओनली मेमोरी। इंटरनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। और इसे क्या कहते हैं, रोम को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्सेस करने के बाद डेटा को सेव करना इंपॉर्टेंट है। आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, उस एप्लीकेशन को चलाने के बाद जैसे वो एप्लीकेशन एक्सेस होगा ना तो डेटा कहीं से उठाएगा, उसके बाद कहीं रखेगा। जैसे कि आपका एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट होगा, आपका एप्लीकेशन रैम के थ्रू स्टार्ट हो गया, लेकिन इस रैम को भी तो कहीं से डेटा चाहिए ना, तो डेटा कहाँ से कलेक्ट करेगा, इससे, रोम से। जो रैम है, रैम के पास डेटा नहीं है, डेटा किसके पास है, रोम के पास है। लेकिन रैम को एक्सेस करना तो रैम को डेटा लेना पड़ेगा। रैम डेटा कहाँ से लेगा, रोम से लेगा। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप इसके बगैर कंप्यूटर चला रहे हो, इसके बगैर कंप्यूटर चला रहे हो, इसके पास डेटा है लेकिन एक्सेस ये करेगा। समझ आ रहा है,
कहने का मतलब है ये दोनों एक इंसान के दो हाथ हैं, एक हाथ के बगैर अधूरा है। ओके, तो अगर आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो डेटा तो स्टोर यहाँ पे होगा लेकिन एक्सेस ये करेगा। ऐसा नहीं कि एक्सेस भी यही करे ऑपरेट भी यही करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो डेटा स्टोर करने का काम होता है किसका होता है, रोम का होता है, और डेटा को एक्सेस करने का काम किसका होता है, रैम को होता है। मैंने कहा था आपको लास्ट वीडियो में भी कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हर किसी यूनिट का काम कंप्यूटर में जितनी भी अलग अलग यूनिट होती हैं, अलग अलग टास्क होता है, हर किसी का अलग अलग काम होता है। इसीलिए इसका काम क्या है, एक्सेस करने का, इसका काम क्या है, डेटा को स्टोर करने का। जब ये एक्सेस होगा तो डेटा को कहाँ से उठाएगा, रोम से उठाएगा। ओके, और जो रोम होता है उसे कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि डेटा को डिलीट नहीं होने देता है। बाय चांस मान लीजिए कि आपने अपने फ़ोन में गाना डाउनलोड किया, ओके, और बाय चांस आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया या नहीं, आपने स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद जब आप फ़ोन को ऑन करोगे ना तो भी वो गाना आपके फ़ोन में रहेगा, क्योंकि वो क्या है, वो परमानेंटली आपके फ़ोन में सेव हो गया। जब आप डिलीट करो तो डिलीट तो हो जाएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन वो सेव हो गया। अगर आप उसे ऑफलाइन भी यूज करो तो वो गाना बजेगा, वो एक तरीके का डेटा है, वो डिलीट नहीं होगा। आगे इसे बेसिक आगे इसे पढ़ेंगे। ओके, तो जो सेमीकंडक्टर मेमोरी बेसिकली दो टाइप के दे रखे हमारे में, पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम का फुल फॉर्म पता होगा आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैम होता है ये दो टाइप के होते हैं, जो रैम होता है दो टाइप का होता है, स्टैटिक रैम और डायनामिक्स रैम। स्टैटिक रैम, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। मैं पहले इन दोनों के बारे में बताऊंगा आपको, उसके बाद यहाँ जो लिखे पड़े वो बताऊंगा। तो जो स्टैटिक्स रैम है, डायनामिक्स रैम है, अगर आपको इन्हें समझना है तो कंप्यूटर और आपको फ़ोन दोनों लेना पड़ेगा। तो जो मान लीजिए आपने कंप्यूटर लिया, तो आपने कई बार देखा होगा कईयों कंप्यूटर चलाते हुए कि जब वो कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना तो बार बार वो रिफ्रेश करते हैं। क्या करते हैं कंप्यूटर में, रिफ्रेश। ओके, लेकिन हम फ़ोन में रिफ्रेश करते हैं, ऐसा देखा आपने रिफ्रेश करते हो फ़ोन में, नहीं। तो पहले हम इसका मतलब जानते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, डायनामिक्स का मतलब होता है चलना। जैसे कोई चीज़ रोटेट कर रही हो अगर, या कोई चीज़ चल रही हो तो उसे डायनामिक कहते हैं, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। तो जो फ़ोन के अंदर हमारे मेमोरी यूज की जाती है वो स्टैटिक्स होती है, क्योंकि फ़ोन के अंदर किसी तरीके का रिफ्रेश नहीं किया जाता है। और डायनामिक्स में क्या किया जाता है, रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। जैसे हमने कंप्यूटर ऑपरेट किया तो कंप्यूटर को बार बार हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे जो डेटा होता है वो सो जाता है, उस सोए हुए डेटा को जगाने के लिए रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फ़ोन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए फ़ोन के अंदर स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज की जाती है। और एक और बात, दोनों का जो कंट्रक्शन है ना, जो कंप्यूटर और फ़ोन है दोनों का जो कंट्रक्शन है अलग अलग होता है, क्योंकि जो आप कंप्यूटर देखोगे ना तो आजकल का फ़ोन जो है 10,000 में आ जाता है, और जो कंप्यूटर है वो भी सस्ता ही पड़ता है अगर कंपेयर करो तो। ठीक है, तो मैं इनके बारे में बता दूं, जो स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है। देखो, हमारे डेटा स्टोर करने के लिए दो चीज़ यूज किया जाता है, पहला क्या फ्लिप फ्लॉप, दूसरा कैपेसिटर। कैपेसिटर भी डेटा को स्टोर करता है। तो जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो क्या करता है, इसमें कैपेसिटर यूज किया जाता है, इसकी स्पीड कम होती है, और जो कॉस्ट होता है वो भी कम होता है, क्योंकि आप देख रहे हो यार क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जो कॉस्ट होगा वो भी कम पड़ेगा। तो कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। आपको बस इतना याद रखना है कि रैम दो टाइप के होते हैं, पहला है स्टैटिक्स रैम, दूसरा है डायनेमिक्स रैम। स्टैटिक्स रैम की स्पीड ज़्यादा होती है, कॉस्ट ज़्यादा होता है, और पावर भी ज़्यादा कंजप्ट करता है। मतलब देखो, जब कार्य ज़्यादा करेगा तो खाएगा भी ज़्यादा, मतलब जो इंसान ज़्यादा काम कर रहा है वो ज़्यादा खाएगा, तो क्या करता है पावर भी ज़्यादा कंजप्ट करता है। और इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है, यानी जब इसका सर्किट बनाया जाता है तो उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है। और डायनामिक की बात करें तो इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट की बात करें तो वो बता दूं मैं, कम होता है, और जो स्पीड है वो भी लो होता है। और स्पीड लो होने के बाद कैपेसिटर, इसके अंदर कैपेसिटर का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और ये पावर कम कंज्यूम, अगर कंपेयर करो तो पावर कम कंज्यूम करता है, क्योंकि इसका काम उतना बड़ा नहीं, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। ओके, अब थोड़ा रैम के बारे में जान लेते हैं। रैम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी इसलिए क्योंकि इसका काम क्या होता है, एक्सेस करना। और सबसे पहले क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, किसी एप्लीकेशन को खोला जाता है, तो खोलने को ही एक्सेस कहेंगे हम। ओके, तो प्राइमरी
मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी चीज़, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए इसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। और इसे कहते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इसके बगैर आप किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हो, रियलिटी है ये। आप चलते हो कंप्यूटर में से रैम निकाल दो या रैम के बगैर कंप्यूटर को चलो, आप तो आपका कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि क्या करता है जो प्रोग्राम है हमारे अंदर विंडो 10 विंडो 7 जो भी हो विंडो, उसे ऑपरेट करने के लिए एक्सेस करने के लिए आपके पास रैम होना चाहिए। उस रैम के बगैर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिकली करके देखना आपके पास कंप्यूटर हो तो। ओके दब और आगे में दे रखा है और ये क्या करता है डेटा को, मैंने क्या कहा था मैंने अभी पीछे बताया था कि क्या करता है, रोम में से डेटा को लेता है उसके बाद रैम एक्सेस करता है। तो वही यहाँ लिख रखा है रोम में से डेटा को लिया और उसने एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। सीपीयू उसमें कार्य करने के लिए सपोर्ट करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है जो पूरे सेंट्रल को, मतलब जो पूरा डेटा होता है उसे प्रोसेस करता है। कोई भी काम रैम अकेला नहीं कर सकता, कोई भी यूनिट कोई भी काम अकेला नहीं कर सकता। जैसे कंपनी होती है ना, एक कंपनी में कई लोग सिग्नेचर करते हैं एक रसीद को पास होने के लिए, वैसे यहाँ भी कंप्यूटर में भी एक सीरीज होता है, पहले ये काम करेगा बाद में ये काम करेगा फिर ये काम करेगा, वैसे काम चलता है। ठीक है, और इसे कहते हैं वॉलेटिक्स मेमोरी। वॉलेटिक्स मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाई चांस आपका पावर कट ऑफ हुआ ना तो क्या होता है, डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। क्योंकि रैम के अंदर, अब एग्जाम्पल देता हूँ, आप मान लीजिए कि अपने कंप्यूटर में एक्सेल यूज कर रहे हो और बाई चांस एक्सीडेंटली आपका इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया, पावर सप्लाई कट ऑफ हो गया, तो जो आपका कंप्यूटर जैसे ही आप दोबारा ऑन करोगे कंप्यूटर में तो आपको वो सिचुएशन नहीं मिलेगा, वो ऑन नहीं मिलेगा, वो डेटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं इसे वॉलेटिक्स मेमोरी। यहाँ तक समझ आया, आगे देख लेते हैं। हमने रैम की बात कर ली, बात है रोम। रोम भी क्या करता है तो सबसे पहले रोम का फुल फॉर्म देख लेते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है डेटा को स्टोर करता है और ये क्या होता है नॉन वॉलेटिक्स मेमोरी। वॉलेटिक्स मेमोरी इसलिए कहा जाता है नॉन वॉलेटिक्स क्योंकि डेटा को डिलीट नहीं करता है। अगर वैसे हम देखें ना तो हम इसे फ़ोन की लैंग्वेज में इंटरनल कहते हैं, कहते हैं ना कि भाई 4 GB रैम है 64 GB इंटरनल है, यानी 4 GB रैम 64 GB रोम, क्योंकि क्या करता है डेटा को स्टोर करता है। तो जितने भी आप वीडियो डाउनलोड करते हो, गाने डाउनलोड करते हो, वो सारा का सारा इसी के अंदर डाउनलोड होता है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो। ठीक है, और इसमें डेटा डिलीट नहीं होता अपने आप ही। ओके और ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। हमारे पास जो रैम था वो 2 टाइप का होता था और जो रोम है वो 3 टाइप का है। पहला क्या है प्रोग्रामिंग रोम, दूसरा क्या है ईपी यानी इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम, तीसरा क्या है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम। तीनों में ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। पहले वाले में क्या है प्रोग्रामिंग पी रोम में क्या है कि एक बार प्रोग्राम करने के बाद सर्किट को दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बनानी है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बनाने के लिए आपने क्या किया, घड़ी ले ली उसमें आपने प्रोग्रामिंग कर दी, एक बार प्रोग्रामिंग करने के बाद उस प्रोग्रामिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसकी खास बात यह है जो रैम है, यानी आप रैम रोम को आपको चेंज करना पड़ेगा। रोम में जो डेटा आपने एक बार डाल दिया वो डिलीट नहीं होगा, समझ गए। जो आपने रोम के अंदर प्रोग्रामिंग कर दी उसके बाद वो डिलीट नहीं होगी, ये इसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार डेटा अगर डाल दिया तो डाल दिया, उसके बाद वो डिलीट नहीं होगा, उसे कहते हैं। उसके बाद आता है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप क्या कर सकते हो, डेटा को कई बार चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपने डेटा डाला, वो आपको डेटा पसंद नहीं आया, यानी जो प्रोग्रामिंग की ना वो आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है, तो आप उस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या था बदल नहीं सकते थे लेकिन इसमें बदल सकते हो, क्योंकि नाम से पता चल रहा है इरेज एबल, मतलब उसे इरेज किया जा सकता है यानी मिटाया जा सकता है उस डेटा को, और आप उसमें दूसरा डेटा डाल सकते हो। उसके बाद आता है तीसरा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। यानी देखिए इन दोनों में किसी की हेल्प ली जाती थी, लेकिन यहाँ क्या 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 है, इलेक्ट्रिकली हेल्प लिया गया है डेटा को डिलीट करने के लिए। आपको अल्ट्रा वॉलेट लाइट की ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रिकली डेटा को डिलीट कर सकते हो फ्रिक्वेंसी देकर, ये कई चीज़ हैं तो जिससे हम क्या कर सकते हैं डेटा को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो अगर एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले क्या है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या लो है, यानी अगर इसे बनाने की जो लागत है वो क्या है कम है, क्योंकि कॉस्ट भी कम पड़ता है साइज भी कम है। तो ठीक है, पहला क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है लो है, दूसरा क्या है पावर कंजप्शन लो है, और तीसरा क्या है साइज में स्मॉल है। आपका फ़ोन देखो उसके अंदर इतने छोटे छोटे सर्किट हैं कि आप, मतलब बहुत छोटे छोटे सर्किट है, इसलिए क्या है जो
जो साइज है वो कम है, छोटा है, और ग्रेटर कैपेसिटी, यानी ग्रेटर कैपेसिटी का मतलब क्या है, कार्य करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है कंपेयर किया जाए तो अदर उससे, मेमोरी से, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेशन है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये वॉलेटाइल ही होता है, अगर कंपेयर करो तो बहुत चीज़ इसके अंदर कमी होती है, जैसे अगर स्पीड की बात करें तो वो होता है। और डिसएडवांटेज, दो डिसएडवांटेज है उससे ज़्यादा नहीं है। एडवांटेज की बात करो तो कैपेसिटी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है। स्पीड का मतलब क्या है कि जैसे आपने इनपुट दिया तो आउटपुट आपको कितने देर में दे रहा है वो होता है स्पीड। और इसकी करंट रेटिंग, अगर आप इसकी डिसएडवांटेज की बात करो ना, तो इसकी जो करंट रेटिंग है वो भी क्या होती है, मतलब आप मान लो छोटे से सर्किट पे ज़्यादा करंट अप्लाई करोगे या लोड सर्किट पे अप्लाई करोगे तो आपका सर्किट ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखो यार, उससे सीखो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। एडवांटेज क्या है आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी आजकल हर जगह यूज होता है, आपके फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो उनके फ़ायदे क्या है कि वो आपको हाई कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, और लो पावर कंजप्शन, यानी उसकी लाइफ ज़्यादा है बैटरी की। बैटरी की लाइफ कैसे ज़्यादा, लोड, अगर लोड कम होगा तो बैटरी की लाइफ ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली अपने प्रैक्टिकल लाइफ से लो, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से सीखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। आपके सपोर्ट से ही आज यहाँ तक हम पहुँचे। देन प्लीज़ सपोर्ट अस।